हे व्हाट्सअप गाइस, तो कुछ इस टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्किप स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगे तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होता है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साइड में बेल का आइकॉन आता है तो बेल के आइकॉन को क्लिक करना, ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले अपने मोबाइल में जाओ, मोबाइल में पिक्सआर्ट है ना, पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर एडिट अ फोटो का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लेना और सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होता है, तो लिखा भी होता है ऐड फोटो, उसे जो है क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाले पीएनजी को जो है ऐड करना है। इस पीएनजी का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसके लेंथ को भी इधर उधर करके देख लेना, अपने हिसाब से कर देना। इसके बाद इस इमेज को जो है डन करना होगा, तो ऊपर में राइट का आइकॉन दिख रहा होगा, तो इस राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना और इस इमेज को डन कर देना। अब यहाँ पर फिर से जो है साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा होगा, तो साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर लेना और अपने पिक को जो है सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये वाले मॉडल का पिक को जो है खोज लेता हूँ, तो इसे जो है सिलेक्ट कर लिया। इसका बैकग्राउंड जो है पहले से रिमूवेड है, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता होगा तो आई बटन में एक वीडियो लिंक मिल रहा होगा, उसे क्लिक करके देख सकते हो कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। तो इसे कुछ इस टाइप से अच्छे से सेट कर लेना। इसे अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें जो है हल्का सा ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो इसी इमेज को डुप्लीकेट बनाना होगा, तो इसके लिए साइड में दिख रहा होगा लेयर वाला ऑप्शन, तो ये वाला होता है लेयर वाला ऑप्शन, इसे जो है क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया होगा, उसे जो है क्लिक कर देना, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। अब इस डुप्लीकेट को ठीक उसी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। इसके बाद नीचे में चले जाना, नीचे में आर्टिस्टिक एक नाम का ऑप्शन होगा, आर्टिस्टिक लिखा होगा, तो इसे जो है क्लिक करना और यहाँ पर साइड में ऐसे स्क्रॉल करना। इसके बाद यहाँ पर स्केच नाम का एक ऑप्शन होगा, स्केच वन, तो इसे जो है क्लिक कर देना और एक बार क्लिक करना, तो इसका सेटिंग जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में मैजिक वन है, तो उसे जो है जीरो कर देना, मैजिक टू है उसे भी पूरा जीरो कर देना, और ऊपर में राइट का आइकॉन आ रहा होगा, उसे जो है क्लिक करके इसे जो है डन कर देना। अब यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन का कोई काम नहीं है, इसलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे में इरेज का आइकॉन दिख रहा होगा, ये वाला होता है इरेज का आइकॉन, उसे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर नीचे में चले जाना, इन्वर्ट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, लिखा भी होगा इन्वर्ट, उसे क्लिक करना। यहाँ पर रिस्टोर वाले ब्रश को क्लिक करना। इसके बाद हार्डनेस कैपेसिटी को अपने हिसाब से सेट कर लेना कुछ इस टाइप से। हार्डनेस करने के बाद कुछ इस टाइप से फोटो का ऐसे जूम करना। इसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है वहाँ वहाँ को ऐसे ब्रश यूज करके अच्छे से ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर लेना। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, तो आप आराम से जो है धीरे धीरे ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर लेना, तभी अच्छा क्रिएट होगा, तो आराम से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो इस राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना। अभी तो यहाँ पर अच्छे से ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अच्छे से ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड को क्लिक करना, तो ऐड का ऑप्शन आ जाता है, तो ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर ये वाले स्मोक पीएनजी को जो है ऐड करना है, तो इस स्मोक पीएनजी का डाउनलोड लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लेना। इसके बाद कुछ इस टाइप से ऐड करना और नीचे साइड में ऐसे लगा लेना। नीचे साइड में लगाने के बाद अच्छे से कुछ इस टाइप से सेट कर लेना। अब यहाँ पर इसे सेट करने के बाद फोटो के साइड को क्लिक करना, फिर से ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना और ये वाले पीएनजी को भी ऐड कर लेना। इस पीएनजी का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो इसे भी कुछ इस टाइप से अच्छे से सेट कर लेना। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर इसे डन करना होगा, तो डन करना होगा तो ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो उस राइट के आइकॉन को क्लिक करके इस इमेज को जो है डन कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस इमेज को अपनी गैलरी में सेव करना है, तो साइड में डाउनलोड का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो इस डाउनलोड के आइकॉन को क्लिक करना है
और ये जो है सेफ हो जाएगा अपने फ़ोन में। तो आप जो है इसी इमेज को Lightroom एप्लीकेशन में शेयर कर देना, तो Lightroom में शेयर कर देना इसी इमेज को। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर का आइकॉन बनता है, उसे क्लिक करना। ऊपर में मिक्स का ऑप्शन होता है, इसे जो है क्लिक कर देना। अब यहाँ पर रेड कलर में सेचुरेशन को कम करना और यहाँ पर हुई को जो है प्लस में कर देना कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर होता है ऑरेंज कलर, उसमें जो है सेचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे और लुमिनेंस को जो है बढ़ा देंगे, जिससे कि फेस का कलर और जो है वाइट हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है, इसे डन कर देना है। तो ऊपर में डन का बटन होता है, इस डन के बटन को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाले लाइट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को ऐसे हल्का सा बढ़ा लेंगे और हाईलाइट को अपने हिसाब से देख लेना, मैं जो है हल्का सा कम कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर शेडो को भी अपने हिसाब से कम कर लेना। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो विग्नेट को क्रिएट कर लेंगे कुछ इस टाइप से, माइनस में करके, और क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे और फेदर को भी बढ़ा देंगे। अब ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें जो सबसे ऊपर होता है शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे और यहाँ पर डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे और यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन होता है उसे भी बढ़ा देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इसे आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हो, ये रहा बिफ़ोर एंड ये रहा Lightroom एडिट करने के बाद। तो कुछ इस टाइप से होता है। इसे सेव करना चाहते हो तो ऊपर में शेयर का आइकॉन होता है, शेयर के आइकॉन को क्लिक करके इसे जो है सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और यहाँ पर दो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, दोनों ही इसी चैनल का है, तो दोनों में से कोई एक को क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो ट्यूटोरियल है, हिंदी में है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो